ये बात पक्का है कि जो गद्दार है इस पार्टी के अंदर उसको तो समय आने पे हिसाब, बाकी जो ईमानदार है उनको वो इस गट के उस गट को दिल से स्वीकारते हैं। महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी हैं, उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का वो कार्यक्रम अधिकृत रूप से हम लोगों ने उसका आयोजन नहीं किया था और उसकी सूचना भी मुझे आज सवेरे ही मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई, मैं हूं शकील शेख। आज मीरा भाईंदर में भाजपा के दोनों गुटों में जिस तरीके से टकराव चल रहा है उसको खत्म करने का दावा पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण, सचिव रविंद्र चव्हाण ने किया है। वहीं पर नरेंद्र मेहता के बारे में उन्होंने कहा कि मनपा के चुनाव उनके मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा, जबकि रवि व्यास का ये कहना था कि आज के इस कार्यक्रम की उन्हें सूचना नहीं थी। जिला कार्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है वो अधिकृत माना जाएगा। कुल मिलाकर के जहाँ रविंद्र चव्हाण और नरेंद्र मेहता ने दावा किया कि गुटबाजी खत्म हो गई है, साथ में हर कार्यक्रम किया जाएगा, वो स्थिति आज भी नहीं बन पाई है। जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवि व्यास ने जो स्टेटमेंट दिया है इससे स्पष्ट हो गया है कि गुटबाजी कंटिन्यू जारी रहेगी मात्र, लेकिन 16 तारीख का जो देवेंद्र फडणवीस तो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में दोनों गुट के नेताओं से लेकर नगर सेवक कार्यकर्ता सब एक साथ नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्चस्व की लड़ाई अब भी जारी है। मीरा भाईंदर में चल रही गुटबाजी को लेकर के सिटी न्यूज़ ने खास करके रविंद्र चव्हाण से कुछ सवाल किए, उसके बाद नरेंद्र मेहता से सवाल किए, रवि व्यास से सवाल किए। आइए देखिए बेबाक बातचीत और सवालों के जवाब मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ। गुटबाजी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से सभा बुलाई गई थी उसमें रवि व्यास पूरी तरीके से गायब रहे और आपको आज यहाँ पे कार्यालय में आके आपसे गठबंधन कराना पड़ा या सलाह मशवरा करके आपको उसका हल निकालने की कोशिश करना पड़ रही है अभी भी? भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर एक बहुत अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कहाँ पर है वो मीरा भाईंदर में है। इसीलिए ही यहाँ पर 2017 में जब चुनाव हुआ था उस 2017 के चुनाव में यहाँ पर 61 सीट भारतीय जनता पार्टी की चुन के आई हूँ कि 16 तारीख को यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी की यहाँ के महानगर पालिका का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर बैठक हुई और बैठक में अच्छी तरह से तैयारी कैसी कीनी करनी चाहिए इसके बारे में बहुत सारे निर्णय हो गए। कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में ऐसी ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि यहाँ पर दो गुट है। महाविकास आघाड़ी जो है, यहाँ की अन्य जो पक्ष है, ये पक्ष ये सब चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी अड़चनियाँ होती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हर संगठन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मीरा भाईंदर के लिए, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बात, जब भी मीरा भाईंदर में कोई नेता आता है तो ये बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ने की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, यह संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी हैं, उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है, जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों को भी
दोनों नेताओं के साथ में ये सब चीज़ें आने वाले कल में करनी चाहिए, और इसमें अगर कुछ दिक्कतें होगी तो ये घर की बात है। घर के अंदर ये सभी नेतागण बहुत सालों से राजनीति में हैं, ये सभी नेतागण ये सब राजनीति खत्म करके पूरे जोर शोर से 16 तारीख की देवेंद्र जी की जो यहाँ पर जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में सहभागी होंगे और नक्की आने वाला कल में आपको यहाँ पर फिर एक बार 100% भाजपा जैसे था वैसे ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। सर, मीरा भाईंदर में शून्य से शिखर तक का भाजपा को पहुँचाने वाले नरेंद्र मेहता है, पिछले दो से ढाई साल में कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से भी उनके ऊपर अन्याय हुआ है इस तरीके की गुटबाजी करवा करके। मैं पूर्ण विराम देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 100% है और 100% रहेगी। धन्यवाद। लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भावना बनी है 50 से 60 नगर सेवकों की कि नरेंद्र मेहता पर कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है पार्टी की ओर से, उस भावना को कैसे दूर करेंगे आप? मैंने क्या कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज की मीटिंग के दौरान सभी को समझाएगा और अच्छा एक मैसेज यह है, और जो भी कार्यकर्ता है उनको अगर मेरे प्रति उनका प्रेम आस्था है तो मुझे पता है कि वो मेरी बातों को स्वीकारेंगे। जब मैंने ये स्वीकारा है तो सभी स्वीकारेंगे, क्योंकि पार्टी के बिगैर तो मैं भी शहर को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। इस शहर को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए मैंने तब बीजेपी ज्वाइन की थी। और एक ही पार्टी पे रहा हूँ, ये आपने देखा है, उतार चढ़ाव कुछ भी आए होंगे, कभी बदलने का मन में ख्याल भी नहीं आया। और जो कार्यकर्ता को आपने कहा कि ये उनके भाव है तो उनके भाव मैंने बदल दिए, अगर उनका मेरे प्रति विश्वास है तो मेरी बातों को समझेंगे। मैंने क्या कहा कि जिला अध्यक्ष पद के उस तब भी आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष पद की नहीं व्यवस्था में जिस तरह से हुआ था उसको लिखी थी, लेकिन खैर जो बातें हुई उसको भूल के अब आगे जाना चाहिए। अब हमने सबने मान लिया है तो उस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए और इस शहर को आगे बढ़ाना हमारा एकमात्र कर्तव्य। भाजपा के आने वाले अगले जो कार्यक्रम जो भी होंगे क्या उसमें नरेंद्र मेहता और रवि व्यास एक साथ दिखेंगे? या 100% दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, 100% दिखेंगे, सभी एक साथ दिखेंगे, चाहे रवि व्यास जी हो। लेकिन आज के कार्यक्रम में तो रवि व्यास दिखाई नहीं दिए। नहीं, आज का नहीं, आज की बैठक मैंने कहा कि जो नाराज कार्यकर्ता कुछ थे, रवि चौहान जी आए थे, वो जो आपने अभी अभी सवाल पूछा कुछ लोग नाराज है, तो उनकी नाराजगी दूर करें या उनके कोई प्रेम के प्रति कुछ होगा तो उस बात को संबोधित किया गया और जो नक्की हुआ था वो हिसाब से यहाँ बैठ के अब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दो जिला कार्यालय है, अब दोनों में से कहाँ से सूत्र संचालन होगा आने वाले? नहीं, एक मेरी बात सुनिए, कार्यालय तो भारतीय जनता पार्टी के शहर में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिला कार्यालय ये है, और बाकी जो अगर आप जूनियर जिला का तो वो भी पार्टी का महत्व का केंद्र है, वहाँ से भी कामकाज होगा, यहाँ से भी कामकाज होगा। सर, एक जो असमंजस की जो एक भाव बना हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक टीम जो थी रवि व्यास ने जो खड़ी की है और एक आपकी टीम है, अब वो जो लोग जो कार्यकर्ता है तो उनका जो असमंजस बना वो कैसे दूर होगा? मेरी बात सुनिए, दोनों ही ग्रुप के कार्यकर्ता हो, उनको किसी को भी मन में ख्याल लाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ता भी उतना ही प्यार करूंगा जितने इस कार्यकर्ता को, और रवि व्यास भी उनको उतना ही प्यार करेंगे जो मेरे साथ थे, और हम एक दूसरे का ये बात पक्का है कि जो गद्दार है इस पार्टी के अंदर उसको तो समय आने पे हिसाब, बाकी जो ईमानदार है उनको वो इस गट के उस गट को दिल से स्वीकारते हैं। आपको वापस कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, अगर मेरे साथ जो लोग थे अगर वो सक्षम नहीं रहे उस समय तो उनको टिकट मिलना स्वाभाविक है, नहीं मिलेगा, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। और लास्ट में अल्टीमेटली पिछले चुनाव में भी देखा हो तो सारा निर्णय जब देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेश अध्यक्ष इनके बीच में चर्चा हो के, और उनके पास भी सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से ही उम्मीदवार नक्की होते, किसी के बोलने से नहीं होते। नो डाउट के सपोर्ट एक दूसरे का एक दूसरे को हो सकता है, लेकिन लास्ट में टिकट तो उसी को मिलेगा जो जीतने वाला हो। इस तरीके से रविंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके अलावा जो पार्टी कार्यकर्ता की बात हुई उसमें भी उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि नरेंद्र मेहता के कमान में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ होगा, तो इसको आप अपने नज़र से कैसा देखते हैं? तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी जवाबदारी है और मैं उसको निभा पाऊंगा, मुझे विश्वास है, और पिछली बार भी निभाई थी, आगे भी निभाऊंगा, और सभी को साथ में लेके इस काम को अंजाम दूंगा, और फिर भाजपा की सरकार इस मीरा भाईंदर में बने सत्ता है, इसका मेरा भी प्रण है और रवि का भी प्रण है। बैठक के अंदर आज हमारे पूर्व आमदार पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी भी आज जिला कार्यालय में पहली बार उपस्थित हुए थे और अपने सभी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में, तो निश्चित रूप से 16 तारीख का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा
और पूरी पार्टी एक चेहरे के साथ में उस कार्यक्रम में दिखाई देगी। आपने पार्टी को लेकर के कार्यक्रम को लेकर के भव्य होगा ये तो बता दिया, लेकिन जो गुटबाजी है उसके बारे में नहीं बताया, और कार्यक्रम में आप भी नहीं गए तो क्या आपसी गुटबाजी खत्म हुई माना जाए या ना? जिला कार्यालय पे जो कार्यक्रम था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रविंद्र चौहान जी ने जो लिया था पपाई ग्राउंड पे, मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप गैर हाजिर थे, आपकी कुर्सी खाली थी। वो जो कार्यक्रम, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, नरेंद्र मेहता रवि व्यास दोनों एक ही है, तो आप क्या मानते हो इस बात? भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का वो कार्यक्रम अधिकृत रूप से हम लोगों ने उसका आयोजन नहीं किया था, और उसकी सूचना भी मुझे आज सवेरे ही मिली। और क्योंकि चौहान साहब की भेंट का कार्यक्रम हमने जिला कार्यालय पर आयोजन किया गया था और सभी नगर सेवक नगर सेविका पदाधिकारी जिला कार्यालय में उपस्थित थे, इस वजह से हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस जी 16 तारीख को आ रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है, तो हमारे नेता के आगमन के अंदर कहीं पर भी इस तरह की कोई बात दिखनी नहीं चाहिए, तो इसी वजह से मुझे लगता है प्रदेश के नेताओं ने सोचा देवेंद्र फडणवीस साहब, मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम हर चुनाव लड़ते हैं, और जिला अध्यक्ष होने के नाते जिला अध्यक्ष की जवाबदारी होती है, चाहे वो संगठन की बात हो, इलेक्शन की बात हो, और जो स्थानिक हमारे नरेंद्र मेहता जी नेता है, तो सभी लोग मिलकर उस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये बात सही है, अगर कोई गद्दार है या फिर कोई संगठन के विरोध में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको ठीक करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। नहीं, आपने इसके पहले महानगर पालिका आयुक्त को भी पत्र लिख के दिया था कि जो अधिकृत कार्यक्रम होते हैं भाजपा के उसी को आप महत्व दे करके, और आज जिला अध्यक्ष के शाम मतलब सुबह तक ये पता नहीं था कि रविंद्र चौहान जी आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कुछ अटपटा सा जवाब नहीं लगता आपको? नहीं, मैं यही कहा ना, जो अधिकृत कार्यक्रम होगा, मैं आज भी यही कहता हूँ, जो जिला, तो आज का कार्यक्रम अनधिकृत माना जाएगा, कार्यक्रम होते हैं उन अधिकृत कार्यक्रम के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता नगर सेवक जाते हैं, और आज जिला कार्यालय के अंदर जो कार्यक्रम था उसके अंदर सभी लोग उपस्थित थे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है बीजेपी कार्यालय, वो अधिकृत माना जाएगा? अधिकृत माना क्या जाएगा, जो अधिकृत है, पार्टी के नेताओं ने जिसका उद्घाटन किया है, जिसे पार्टी के नेताओं ने मान्यता दी है और उन्होंने आदेश दिया है कि इस कार्यालय से आप मीरा बंदर शहर का काम कीजिए, तो वहीं से कार्य होगा आगे भी। जो एक मिनट, जो चौहान साहब के वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ साथ में नरेंद्र मेहता गुट का, वो कार्यक्रम को क्या माना जाए? मुझे उसकी सूचना नहीं थी, मैंने आपको बताया ना, दुविधा तो है। पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि रवि व्यास अधिकृत अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा, और रविंद्र चौहान कहते हैं नरेंद्र मेहता महापालिका के उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा। अब दोनों में से कौन सही, रविंद्र चौहान या पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल? रविंद्र चौहान साहब ने तो क्लियर कट कहा कि साथ में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो फिर आप क्यों चौहान साहब के स्टेटमेंट को गलत बता रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने दोनों पक्षों का सुना और जाना कि किस तरीके की गुटबाजी खत्म हुई या नहीं हुई या चल रही है, या आपने देखा है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे माहौल और स्पष्ट होता है, गर्माता जाएगा। अब वर्चस्व की लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, 16 तारीख को देवेंद्र फडणवीस भी इस संदर्भ में क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक और जहाँ चंद्रकांत पाटिल ने जिला अध्यक्ष रवि व्यास को कमान संभाली थी कि चुनाव उनके मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा, वहीं पर सचिव के तौर पर और विधायक के तौर पर रविंद्र चौहान ने नरेंद्र मेहता का नाम लेकर असमंजस की स्थिति बना दी है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।